अस्सलाम वालेकुम। जलालपुर HDTV टीम ई वेले जलालपुर तो 43 किलोमीटर दूर गेलेवाल विच मौजूद है। ते असा आज दरबार हजरत बाबा सैयद नूरी लाल वेंदे पे हिस्से जिथा असा तुहाकू इन्हां दे बारे विच दसेसू। मेरे नाल कैमरे ते नदीम करीम हैं ते नाल मोहम्मद अजमल बहादुरपुरी भी हैं। असा आज दुहे तुहाकू हजरत सैयद बाबा नूरी लाल दे बारे विच मालूमात दसेंदे पे हिस्से। दोस्तों ए दरबार गेलेवाल दे मौजा लाहौरी विच ते नाल ही रेलवे लाइन भी मौजूद है जेड़ी के तुसा स्क्रीन दे देते पे हो सो। किताबी रिवायत दे मुताबिक हजरत बाबा सैयद नूरी लाल जिन्हां दा असल नाम हजरत पीर सैयद फतेहुल्लाह शाह बुखारी है आज तो 444 साल पहले मौजा टिब्बी विच पैदा थे हन। छोटे ला तो मां प्यो फौत थी गए हन ते वल एक जट कौम दे वग्घा मल ने उन्हां को अपने घर घेना ते वल ओ हूं घर दे विच पलदे रह गए हन। एक दिन मस्जिद दे सहन विच दरख्त दी एक लड़ी को पूर दे बैठे हन ते जी वेले काफी दिन गुजरदे हन ता ओ लड़ी जेड़ी के जमीन विच होंदी है ओ कुसी भी खा वेंदी है। ई को देख ते रोवण पै गए चुप न करेंदे हन। वल इथो हजरत पीरा ने पीर दा गुजर थिया ता हजरत होरां को रोंदा देखते रुक गए ते हाल अहवाल पुछया। हजरत बाबा नूरी लाल होरा ने जवाब दिता जो जिवे सुकी लड़ी को सीवी खा वेंदी है ता कब्र विच मेको भी ता सीवी खा वेसी ते नाल कब्र दा अजाब भी होसी। ई गल तो रोंदा हां ते हजरत पीरा ने पीर होरा ने आख्या ए नौजवान तेकू मैं खुशखबरी देंदा जो हेक ता तू कब्र विच कहना होसे ते नाल तेकू कब्र दा अजाब भी कहना मिलसी। इंदे नाल हजरत होरा दी दुआ नाल हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बुखारी को हूं वेले विलायत भी मिल गई। ता इथाई वल हजरत बाबा नूरी लाल होरा ने इबादत शुरू कर दिती ते इस्लाम दी तबलीग दा कम भी शुरू कर दिता। दोस्तों हुण असां दरबार शरीफ दे अंदर वेंदे से ते हुण तुहाकू अगू दा हाल हवाल मोहम्मद अजमल बहादुरपुरी दे। अच्छा जिमें पीरान पीर साहब ने आपको दुआ की थी कि आपने उन्होंने मूँह दौरान आपको अल्लाह तला ने वो कमालात दिते कि आपने इतना बहते लोगों को दीन इस्लाम की तब्दील की थी। जिस वक्त आपका विसाल का वक्त आया तो अल्लाह तला ने बकौल लोगों के वल्लाहु आलम सब तो बेहतर तर रब की जात जानती है कि नू तबूत जेरे अर्श तो नाजर थे एक दे आपका जस्ते खाकी रैपती गया तो दूजा अज भी उ दूहे दूहे बराबर वो तबूत जेरे इतना मौजूद हैं। और ये तुसा मजारती देंदे बैठे हो सो कि एडू तबूत के अंदर आपके दूहे मौजूद हैं। आपके विसाल के कम पेश 150 साल बाद एक वरिया नामी हिंदू औरत ने एक अपनी मन्नत मनी कि अगर मेरी मन्नत पूरी थी गई तो मैं इतना उन्होंने वो मन्नत सिलसिले दे विच आपका पुख्ता मज़ार ते नाल ही पुख्ता कुआं भी तामीर करवाया। मजीद क्योंकि एक काफ़ी अरसे तो महकमा है औकाफ दे ते मजीद साढ़े मतलब ताहिर साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब मजीद उन्हें ताहिर साहब तो सर ऐसे तो हजरत पीर नूर लाल साहब होंगे बारे विच बचपन दे विच जिथा के हाजिर थे हम सिंह जिथा के नूं टाइम लक्कड़ पूरिया ने सुन लें भी मिट्टी खा वेंदी बंदे को मिट्टी खा लेंगे अगर मैं लक्कन पूरे ना पे अगर एक मिट्टी इको खा गई तो वाल मैं को खा गई सी उठा बह के रुने अल्लाह पाक दे फरियाद तो ने इंदी वजह को अल्लाह पाक दे तरफ हुक्म आया कोई वली आया या फरिश्ता आया मकसद है कि ना को खबर सुनाए ना बे तू सर रोगो ना तरे कि अर्श तो तू संदूक आसी जिंद सुन सो अल्लाह पाक की रहमत है जी वे आपका विशाल थिया संदूक अल्लाह पाक तरफ आई जी भी मौजूद है एक वो संदूक इतना लोग उन्होंने कोशिश की पेट्रोल पवन सही में पूरी की बारह गाल तो बल मिस्त्री को निंद्र दसाया इंद नाल बई बना के रख उन्हें बई बना के रखी बकौल कारी साहब भी कि जिस वक्त ये मामला थिया कि सदूक था तो मुख्तलिफ लोगों ने कुछ बिदत या कोई दूजे लफ्जों हर तरह के क्योंकि साढ़े मुआशरे हर किस्म के लोग पाते हुए तो
آپ جس وقت انہوں نے جستے خاکی یا صدوق کو چاون کی کوشش کی گئی تو ڈسن پین کے دربار دے جہاں دیوار کالیاں تھی گیا یا باقی معاملات جو ہیں واللہ عالم سب سے بہتر تو رب کے ساتھ جانتے ہیں. اس بعد آپ نے خواب دے وچ ایک مستری صاحب کو بخان صاحب کو بشارت کی تھی کہ تسیں ایک بیا صدوق بڑھا دینا اتنا رکھو اور دوہے صدوق موجود ہیں کوشش کر سو تک اسا لکھے دے مزید دے پیسو سا کوئی خاص کرامت بھی ہے جی فرشتے آئے نا کھن تو انہیں منگیا سیاں ایک گابا کھاونے گابا چڑھے دیں اصا ایک گابا کھاونے پکڑی اللہ پاک کا مال میرا نہیں پکڑی پکڑوں نے انہیں ذبا کتاب زہر کھا لیکن جی ٹائم شام کو گھر گئے نا جن کو راندیا انہیں مئی نے آیا کہ میرا گابا کتنا گابا ڈے سختی کتوں نے جب کچھ آخیا انہیں ان بعد سڈ مارے نے آ گابا آ گابا آیا قد میں ڈر گیا وہ گابا آیا قد میں ڈٹھن تا ان معافی منگی جن قرآن ہوں جیسا کھڑے ہیں یہ موزہ کیڑا ہے یہ موزہ لاہوری تھی وہ ٹبی جڑی آ کی ملی وہ ٹبی کیا ہے ٹبی مطلب مزار بنا ہوا ہے زہر لیکن سامنے Allah.